नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज के सत्र में कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं वो सीखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री, और आज इसका तीसरा भाग होगा। आप साथियों, आप जानते हैं कि इससे पहले जो सत्र आपने देखे थे, अगर आपने देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल पर ये सेशंस अवेलेबल हैं, दोनों पार्ट उनको आप देख सकते हैं। और पहले पार्ट में आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में सीखा, समझा, और आज के सत्र में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यानी टी आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे। और ये पढ़ाने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं, जो कि गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सालरपुर रोड कुरुक्षेत्र में टीचर हैं, सरिता ग्राग मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे आज के कार्यक्रम में। जी नमस्कार, और हमारे सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी, और हम आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों, अपने छात्रों को बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं ये इंट्रोडक्टिव सेशन है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट उन प्रश्नों का, उन प्रतिक्रियाओं का जवाब भी देंगे। और इसके लिए आप NCERT ऑफिशियल पर चैट बॉक्स में लाइव सेशन के दौरान प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमें फ़ोन पर लिख सकते हैं, फ़ोन पर मैसेज भेज सकते हैं, जो है 8800440559। और ईमेल एड्रेस भी आप नोट कर सकते हैं, जो है dth.class10@cit.nic.in। आपकी स्क्रीन पर भी ये ईमेल एड्रेस दिख रहा है, आप नोट कर सकते हैं। और बने रहिए इस सत्र में और समझिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है। तो शुरुआत करें मैम कि किस तरह से आज के बच्चे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को समझेंगे और क्या उनको सीखना है आज के सत्र में। जी बिल्कुल। सो जैसा कि आपने बताया कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पहले से जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। डेफिनेटली देयर आर 6 टी रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दीज आर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। सो इन सभी टी रेशियोज के बारे में हमारे व्यूअर्स ऑलरेडी जान चुके हैं। दे हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट सम ऑफ द फॉर्मूलाज, लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक इसी तरह से हम आज आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस टू मोर क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम द टॉपिक विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस सेशन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, If tangent A plus B equals 1 and sine 2A minus B equals 1, we have summed our previous session with the topic, with the concept that अगर कोई भी T ratios at two different angles equal होते हैं, like if I am saying that tangent A is equal to tangent B, in that case definitely ये दोनों angles भी equal ही होंगे। If tangent A equals tangent B is given to you, then angle A will be equals to angle B. इसी तरह से अगर sin theta equals sin phi given है, even then theta will definitely be equal to phi if we are talking about the angles between 0 degree and 90 degree. So इसी concept को लेते हुए हम इस question को यहाँ पर solve कर पाएंगे। And what is our question? It is if tangent A plus B equals 1, तो हमें सोचना है, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने बनाई थी, कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितने डिग्री के लिए 1 होती है। सो वी नो दैट वेरी वेल, दैट इज 45 डिग्री। सो वी हैव टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल्स टेंजेंट 45। सो ये हमें क्लियर है कि टेंजेंट ए प्लस बी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो एंगल है दैट इज ए प्लस बी, और राइट हैंड साइड पर जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। सो इन दैट केस डेफिनेटली हमारे पास होगा दैट ए प्लस बी इक्वल्स 45 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट इक्वेशन विल वी बी एबल टू ऑब्टेन फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन विच इज गिवन टू अस। हमें गिवन है कि साइन 2a माइनस बी। डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स जानते हैं दैट इफ समवेयर इट इज रिटन साइन 2a माइनस बी, दैट डजंट मीन कि साइन और 2a माइनस बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज सिंपली मीन कि साइन का एंगल जो है दैट इज गिवन टू बी 2a माइनस बी। और हमें ये गिवन है यहाँ पर इन द क्वेश्चन इक्वल्स 1। सो हमें सोचना है कि साइन की वैल्यू कितने डिग्री पर 1 होती है, दैट इज 90 डिग्री। सो वी हैव 2a माइनस बी इक्वल्स 90 डिग्री। अभी हमारे पास जो दो वैल्यूज आ चुकी हैं,
पहली इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल्स 45 डिग्री एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2a माइनस बी इक्वल्स 90 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जैसा कि हमारे व्यूअर्स ने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टॉपिक पढ़ा है तो यू कैन यूज एनी मेथड, लेट अस यूज एलिमिनेशन मेथड ड्यू टू विच b विल बी कैंसल्ड विद b ऑन एडिंग बोथ ऑफ द इक्वेशंस, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड we are able to obtain that a plus 2a equals 45 plus 90 which is giving us 135 degree with the help of which we are able to get that a equals 135 divided by 3 which is 45 or a ki value either we can put in equation number first or equation number second. So if you put it in equation number first we are able to get that 45 degree plus b equals 45 and b equals 0 degree. So हमें find करना था angle A और angle B की value को, these values are 45 degree and 0 degree respectively. Now let us proceed ahead towards the topic and what this topic is, this is trigonometric ratios of complementary angles. Complementary angles means कोई भी ऐसे दो angles जिनको plus करने पर 90 degree आता है. In your junior classes also आपने trigonometric ratios नहीं पढ़ा but you people knows it very well कि अगर कोई एंगल 30 डिग्री है और आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैलकुलेट करना है सो सिंपली वी सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम 90 एंड वी आर एबल टू गेट दैट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री विल बी 60 डिग्री। अभी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए टी रेशियोज की वैल्यू क्या क्या होती है ये डिस्कस करते हैं। सो इफ एन एंगल इज गिवन टू बी ए व्हाट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट विल बी 90 डिग्री माइनस ए। द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस ए विल बी कोस ए। इसी तरह से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कोस 90 माइनस ए दैट विल बी साइन ए। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 90 माइनस ए विल बी कोट ए एंड द वैल्यू ऑफ कोट 90 माइनस ए दैट विल बी डेफिनेटली टेंजेंट ए। इसी तरह से सेकेंड 90 माइनस ए गिव्स अस cosecant A and cosecant 90 minus A gives secant A. Basically ये सभी जो हम values अभी discuss कर रहे हैं यानी कि trigonometric ratios at complementary angles ये topic at present NCERT book से eliminate कर दिया गया है but हमें identities formulas का knowledge होना चाहिए, that's why we are discussing these formulas here. And now let us discuss some of the questions. We are not going in very depth of these particular formulas. So the question is here which is saying cosecant 60 degree 65 degree plus A minus secant 25 degree minus A minus tangent 55 degree minus A plus cotangent 35 degree plus A is complete part को solve करने पर यानी इन चारों terms को solve करने पर जो value आती है वो आनी चाहिए 0। हम ये prove करना चाहते हैं। So how we will be able to prove that, let us see कि कौन से दो angles यहाँ पर ऐसे हैं जिनका सम हमें 90 डिग्री दे रहा है। सो वी कैन सी इट डायरेक्टली दैट 65 एंड 25 इफ वी ऐड बोथ ऑफ दीज एंगल्स वी आर एबल टू गेट 90 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो अभी हमने फॉर्मूलास डिस्कस किए वी नो दैट कॉसिकेंट थीटा को इजीली लिखा जा सकता है सिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। So if we suppose that this value is theta, then this complete is giving cosecant theta or cosecant theta ko hum likh sakte hain secant 90 degree minus this theta which is negative 65 degree negative a. Definitely hum dhyan rakhenge ki cosecant aur secant ya jin do angles mein hum 90 degree sum prapt kar pa rahe hain उन दोनों में से किसी भी एक को हमें चेंज करना है एंड द सेकेंड विल बी रिटन एज सच। अगर आप दोनों को ही चेंज कर देंगे तो ये वही बात हो जाएगी जैसे आपको अपने फ्रेंड से मिलना है, आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर चले गए लेकिन सेम टाइम पर आपका फ्रेंड आपके घर चला गया तो आप दोनों मिल नहीं पाएंगे बिकॉज नाउ यू आर एट टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस। सो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को आपको चेंज करना है माइनस We can see it here 55 और 35 का भी सम जो है वो 90 होता है तो tangent theta can easily be written as cotangent or cot 90 degree minus theta. So due to which we have here cot 90 degree minus this complete is giving us theta. So minus 55 degree positive a.
क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इंटरनल साइंस जो है दोज विल गेट चेंज, प्लस कोट 35 डिग्री प्लस ए, एंड ऑन सॉल्विंग द सेम वी आर एबल टू गेट सेकेंड 25 डिग्री माइनस ए, क्योंकि 90 माइनस 65 इज 25, माइनस सेकेंड 25 माइनस ए माइनस कोट 90 माइनस 55 इज 35, 35 प्लस ए एंड प्लस कोट 35 डिग्री प्लस ए. सो ऑन सॉल्विंग दीज ऑल क्लियर है कि वैल्यू दिस एंड दिस कैन बी कैंसल्ड एंड एज अ रिजल्ट वी आर हैविंग जीरो विच इज गिविंग अस आर राइट हैंड साइड. सो दिस कंप्लीट कैन बी प्रूवन इजीली टू बी जीरो. नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. एंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज गिविंग अस, ही इज आस्किंग अस द वैल्यू ऑफ एंगल ए. We have been given that tangent to A equals cot A minus 18. तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि tangent theta को हम इजीली लिख सकते हैं cot 90 minus theta. और इसका requirement क्यों हुआ, क्योंकि just in our previous question we have discussed कि अगर कहीं पर भी tangent A और tangent B equal होंगे तो definitely those two angles will also be equal. तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम देख सकते हैं यहाँ पर जो टी रेशो है ये दोनों डिफरेंट है. लेफ्ट हैंड साइड इट इज टेंजेंट, राइट हैंड साइड इट इज कोट. तो दोनों को सेम बनाने के लिए हम पहले अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से टेन थीटा को इजीली लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा. एंड द वैल्यू ऑफ थीटा हियर इन दिस क्वेश्चन दैट इज 2a. सो कोट 90 माइनस 2a इक्वल्स कोट a माइनस 18 डिग्री. कोट ए इक्वल्स कोट बी होने पर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. एंड इफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल देयर इज अ सिंपल इक्वेशन, और यू कैन से एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, द वेरिएबल इज ए. ऑन सॉल्विंग द सेम वी आर एबल टू गेट दैट नेगेटिव 3a इक्वल्स नेगेटिव 108 डिग्री, एंड ऑन सॉल्विंग द सेम वी आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ ए विच इज 36 डिग्री. We have been given that 2a is an acute angle and we need to find the value of a, which has been done. Now the next question is here, and I would like my viewers to solve this question on their own. The question is, if ABC are the interior angles of a triangle, then show that sine b plus c upon 2 equals cos a upon 2. Let me give them a small hint. That if we are talking about a triangle, then the sum of all three angles of the triangle is 180. With the help of the same, आप B plus C की value at this place put कर सकते हैं 180 minus A, and then it will be divided by 2. On solving the same, you will be able to get the answer. Now, trigonometric identities. If we talk about the trigonometric identities, the very first identity is sine square A plus cos square a equals 1, secant square a minus tan square a equals 1, and cosecant square a minus cot square a equals 1. These three are the identities jinki help se hum kuch aur formulas bhi learn kar sakte hain. Like if I want to find the value of sine square a using this first identity, that will be 1 minus cos square a. आप simply cos square a को right hand side पर अगर drag करते हैं, the sign will changed and that will become negative. Similarly, cos square a, the value of the same will be 1 minus sin square a. Then secant square a, that is 1 plus tan square a. और अगर आप calculate करना चाहते हैं value of tan square a, ये थोड़ा सा carefully हम करेंगे. tan square a का साइन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर है नेगेटिव. सो लेट अस टेक इट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम पॉजिटिव, एंड वन टू लेफ्ट हैंड साइड दैट विल बिकम नेगेटिव. सो द वैल्यू विल बी सेकेंट स्क्वायर a माइनस 1. ठीक इसी तरह से कॉसेकेंट स्क्वायर a और कॉट स्क्वायर a की वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं. अब बात करते हैं कि हाउ कैन आई से दैट साइन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स 1. सो लेट अस डिस्कस. डियर व्यूअर्स, आप जानते हैं कि साइन ए को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन. और यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए. साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है जो भी वैल्यू साइन ए की है उस वैल्यू का स्क्वायर. सो इट बिकम्स परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर.
plus cos square a, which is giving us base square divided by hypotenuse square equals to 1. चेक करते हैं कैसे 1? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो द न्यूमरेटर बिकम्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन सिंपली रीराइट इट एज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर व्हिच इज प्रोवाइडिंग अस द वैल्यू 1. तो ये सभी जो टी आइडेंटिटीज हैं आपके लिए नई नहीं है, सिर्फ लिखने का वे चेंज हुआ है. आपको पहले से भी पता है कि अगर हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करेंगे वी विल बी एबल टू गेट 1. Now let us discuss a few more questions related to the same. Write all other t ratios in terms of secant a. जैसे हमने बात की कि सभी t ratios, all 6 t ratios एक दूसरे के साथ connected होते हैं, क्योंकि सभी की जो values हैं, ये values perpendicular, base और hypotenuse के ratios की form में होती है. तो अभी हम बाकी सभी t ratios को लिखते हैं in the form of secant a. किन सभी ratios को? In 5 t ratios को. Sin a, cos a, tangent a, then cosecant a and cotangent a. इन सभी को हम लिखना चाहते हैं secant की फॉर्म में. तो देखिए सबसे पहले आसान तरीका जो है, आप सोच लीजिए कि secant किसका reciprocal होता है या secant का reciprocal कौन सा t ratio है. That is undoubtedly cos a. तो आप cos को secant की फॉर्म में easy लिख सकते हैं. cos a equals 1 upon secant a. इसी तरह से एक वैल्यू ऐसी हम सोचें जो secant के साथ मिलकर आइडेंटिटी बनाती है, दैट मींस 1 बनाती है, तो वो टी रेशियो है टेंजेंट. सो वी कैन राइट दैट secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a equals 1, ड्यू टू व्हिच टेंजेंट स्क्वायर a equals secant स्क्वायर a माइनस 1. सो यहां से टेंजेंट को भी हमने इजीली लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ secant. दो क्वेश्चंस आपके हो गए. आपने cos को secant के फॉर्म में लिखा है और टेंजेंट को secant के फॉर्म में लिखा है. नेक्स्ट जो चीज है, ये करने का तरीका है, आप किसी भी तरह से सोच सकते हैं. 5 में से कोई भी टी रेशियो पहले निकाल सकते हैं. तो अभी हम नेक्स्ट जो निकाल रहे हैं, टेंजेंट का रेसिप्रोकल. वी नो दैट कोटेंजेंट, दैट मींस cot a, इक्वल्स होता है 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट a, और यहां पर टेंजेंट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ secant स्क्वायर a माइनस 1. सो कोटेंजेंट a इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय रूट secant स्क्वायर a माइनस 1. इस तरह से cos, tan और cot की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं और बचते हैं sin एंड cosecant. तो अगर आप sin a को secant के फॉर्म में चेंज कर देंगे, डेफिनेटली cosecant तो sin का ही रेसिप्रोकल होता है, तो जो भी वैल्यू sin की होगी उसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ cosecant. और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स होता है 1, ड्यू टू व्हिच sin स्क्वायर a गिव्स यू 1 माइनस cos स्क्वायर a. और cos को ऑलरेडी आप secant की फॉर्म में लिख चुके हैं, सो इट विल बी on taking the LCM, we are able to get that secant square a minus 1 divided by secant square a equals sin square a. So sin a ki value hui under root of secant square a minus 1 whole divided by secant a. Alright, so isi tarah se aap sabhi t ratios ki form mein remaining 5 t ratios ko likh sakte hain. Now let us discuss the questions in which आपको जितने भी अभी तक आपने formulas learn किए हैं, that sin a equals 1 upon cosecant a, tangent a equals sin a upon cos a, इन सभी formulas को use करते हुए और trigonometric identities को use करते हुए हम ये question solve कर पाएंगे. The question here on our screen is कि left hand side में जो value है that is giving us under root of 1 minus, it is 1 plus cos theta divided by 1 minus cos theta. हमें प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड आ जाए cosecant theta plus cot theta. सो जब भी रूट में आपके सामने कोई वैल्यू है, लेट अस ट्राई सॉल्विंग द सेम बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. सो इट विल बिकम मल्टीप्लाइड बाय 1 plus cos theta upon 1 plus cos theta. ड्यू टू व्हिच आपके पास आ रहा है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस डिमांड करेंगे. सो द न्यूमरेटर इज
जब भी आप x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है x स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस cos थीटा को 1 प्लस cos थीटा से, सो यू आर गेटिंग 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर एंड योर डिनोमिनेटर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बिकॉज इट इज a माइनस b इंटू a प्लस b विच इज प्रोवाइडिंग अस 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। वाई साइन स्क्वायर थीटा? क्योंकि अभी हमने टी आइडेंटिटी में पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो डेफिनेटली अंडर रूट को सॉल्व किया जा सकता है। एंड वी आर हियर विद 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा विच इज गिविंग कॉसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। So it is equals to your right hand side. ठीक इसी तरह से हमारे viewers next question solve करें। The question is here on the screen और हमारे साथ जो solution है वो discuss करें। Same identity का आपको use करना होगा, that means cos square theta plus sin square theta equals 1। जी सर, जी मैम, thank you so much for providing, for giving our viewers insights of the topic। और हम जानते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे छात्र हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तमाम माध्यमों से हमसे कनेक्टेड रहते हैं। और आज के सत्र में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिफिकेशन, टी आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन के बारे में आज आपने जाना। और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक, हमारे जो छात्र हैं, जुड़ते हैं, उनको आज के सत्र से लाभ हुआ होगा। और इस चैप्टर को, जैसा कि मैम ने कहा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, बाकी बहुत कठिन नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को समझने में आपको आसानी होगी। तो थैंक यू सो मच मैम आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। सविता अग्राख हमारे साथ जुड़ी थी गीता निकेतन स्कूल से, कुरुक्षेत्र से। और धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने दर्शकों का भी, अपने छात्रों का भी, जो हमारे साथ जुड़ते हैं और लगातार हमारे सत्र से लाभान्वित होते हैं। चलते चलते एक ज़रूरी सूचना अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो सूचना है पुस्तकों के संबंध में। 2023 और 24 का पाठ्य सत्र चल रहा है, एजुकेशन सेशन चल रहा है, और इस एकेडमिक सेशन में अगर नई पाठ्य पुस्तकें अब तक आप तक नहीं पहुंच सकी हैं तो आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप NCERT के सेल्स काउंटर्स पर जा सकते हैं, जो अवेलेबल हैं दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में। ये सेल्स काउंटर्स सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच में उपलब्ध रहते हैं, और यहाँ से पुस्तकें आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं अपने कक्षा और अपने विषय की पाठ्यपुस्तक को, और आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए कहाँ से आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है। ncertbooks.ncert.gov.in यहाँ पर जाना है आपको, लॉगिन करना है और आपको ऑर्डर करना है। और सॉफ्ट कॉपी यानी PDF वर्जन डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट से, एप्लीकेशंस के माध्यम से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, जो है NCERT ई पाठशाला और दीक्षा। और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि अगला सत्र हमारा होगा कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, उर्दू का पाठ होगा, और इसमें आप पढ़ेंगे ड्रामा खुदा हाफिज़। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाइए मत, एक के बाद एक सेशंस हैं आपके लिए और काफ़ी उपयोगी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।